गुरु जी, श्रावण मास शुरू हो गया है, ऐसे में इस बार जो श्रावण मास है वह 8 सोमवार पड़ रहा है, क्या कुछ विशेष है इसका, क्या महत्व है? इस बार करीब 19 साल के बाद और 3 साल के बाद ऐसा योग है जब 2 मास एक साथ मिलकर इस सावन का महत्व को बढ़ा रहे हैं। इसमें मल मास का भी मिश्रण हो चुका है जो करीब करीब 19 साल बाद ऐसा दुर्लभ योग आया है। इसलिए इस बार यह जो मास है पुरुषोत्तम और शिव का मास है, यानी भगवान विष्णु का और भगवान शिव का मास है। इस समय यदि कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान शिव की, भगवान श्रीदेव की, भगवान विष्णुदेव की कृपा प्राप्त होगी। किस तरीके से पूजा करनी चाहिए? इस समय भगवान शिव को जो है सबसे ज़्यादा प्रिय है उनका रुद्राभिषेक। आप विभिन्न माध्यमों से रुद्राभिषेक कर सकते हैं, जैसे सरसों के तेल से, जल से, बेलपत्र के माध्यम से, शहद से, हल्दी से, दूध से, दही से, घी से, और रुद्राभिषेक करके भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं और इस तरह से हम भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आप भगवान शनि के उपासक हैं और काशी हर हर महादेव की नगरी है, महादेव की नगरी है, अगर बात करें तो क्या अनोखा संयोग है, क्या है इन दोनों के बीच में? देखिए, शनि और शिव का बहुत बड़ा संबंध है, पिता और पुत्र का जैसा संबंध है। भगवान शनिदेव वाले ग्रह थे तो ग्रह से भगवान बनाने का जो दर्जा है भगवान शिव ने उनको दिया था। यानी भले शनि ग्रह थे जैसे उनके भाई लोग थे, उसे बड़ा पीड़ित और बहुत तरह उपद्रव मचा रहे थे, तब भगवान शिव ने अपने पास बुलाकर उनको न्याय करने का अधिकार दिया और अपनी सारी शक्तियाँ उनको दे दी ताकि आप समाज के साथ न्याय करें और सबको देखें सुने। इसलिए सावन के मास में ही भगवान शिव ने भगवान शनि जो कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी और उनको भगवान का दर्जा भी दिया, इसलिए सावन में शिव और शनि का पूजा का बहुत बड़ा महत्व है।